नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक नायक हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। खबरों की खबर में आज बात मिनी आईपीएल यानी साउथ अफ्रीका की टी20 लीग की। साउथ अफ्रीकन टी20 लीग की शुरुआत इस महीने के 10 तारीख को हो रही है। कुल 6 टीमें टूर्नामेंट में शुरुआती सीजन में भाग लेने वाली हैं। खास बात यह है कि इन सभी टीमों को आईपीएल टीमों के ऑनर ने खरीदा है। ऐसे में इन लीग को मिनी आईपीएल भी कहा जा रहा है। इस लीग में कुल 33 मुकाबले खेले जाएंगे और फाइनल मैच 11 फरवरी को होना है। आइए जानते हैं इस टूर्नामेंट के बारे में। साउथ अफ्रीका टी20 लीग में जो 6 टीमें भाग ले रही हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। डर्बन सुपर जायंट्स, सनराइजर ईस्टर्न कैप, मुंबई इंडियंस कैपटाउन, प्रिटोरियर कैपिटल्स, पॉल रॉयल्स, जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स। ये सभी 6 टीमें राउंड रॉबिन चरण में दो दो बार एक दूसरे से खेलेंगी। इसके बाद 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल मैच होगा। अफ्रीकी टी20 लीग के पहले सीजन के कुल प्राइस मनी लगभग 33.5 करोड़ रुपए होगी। हम आपको ये भी बता दें कि साउथ अफ्रीकी टी20 लीग में कई बड़े स्टार प्लेयर भी भाग ले रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम इंग्लैंड के जॉस बटलर और सैम करन इस टूर्नामेंट के आकर्षण का केंद्र रहेंगे। वहीं राशिद खान, महेश तीक्ष्णा और अल्जारी जोफर जैसे प्लेयर्स भी धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। घरेलू खिलाड़ियों की अगर बात करें तो इसमें फार डुप्लेसी, कैगिसो रबाडा, क्लिंटन डिकॉक, क्रिस्टस स्टब्स और रिले रोसो भी सबकी निगाहों में रहेंगे। साउथ अफ्रीका टी20 लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी पिछले साल 20 सितंबर को हुई थी। मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले युवा बल्लेबाज स्टब नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर रहे थे। स्टब को सनराइजर ईस्टर्न कैप ने 92 लाख रैंड लगभग 4.42 करोड़ रुपए में खरीदा था। वहीं प्रिटोरियस कैपिटल ने रिली रोसो को 96 लाख रैंड लगभग 3.31 करोड़ रुपए में खरीदा, जबकि सनराइजर ईस्टर्न कैप ने मार्को यानसेन को 61 लाख रैंड 2.93 करोड़ रुपए में खरीदा था। लुंगी एंगेडी और तबरेज शमसी भी महंगे बिकने वाले प्लेयर्स में शामिल हैं। साउथ अफ्रीकन लीग में डबल हेडर होने वाले हैं। डबल हेडर के रोजाना पहला मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 5 बजे होगा, वहीं दूसरा मैच रात 9 बजे खेला जाएगा। जिस दिन एक मुकाबला होगा उस दिन मुकाबले की शुरुआत भारतीय समय अनुसार रात 9 बजे होगी। साउथ अफ्रीकी टी20 लीग के भारत में प्रसारण का अधिकार वाईकॉम 18 ने खरीदे हैं। ऐसे में भारत में इस लीग का टीवी पर प्रसारण स्पोर्ट्स 18 चैनल पर किया जाएगा। वहीं जियो सिनेमा ऐप और उसके वेबसाइट पर इस टी20 लीग की लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी। तो दोस्तों देखते रहिए खबरें, क्योंकि खबरें की है हर खबर पर नजर। तो ये थी खबरों की खबर। देखते रहिए खबरें, क्योंकि खबरें की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।